दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यूपी मैथ्स बाय डीएस तोमर सर पे स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को टॉपिक दिख रहा है कि आज हम आप लोगों को डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शंस में एक से ज्यादा इक्वेशंस दी होती हैं। इफ एक्स एंड वाई आर टू फंक्शंस डिपेंड ऑन थीटा, थीटा ले लीजिए चाहे टी ले लीजिए, एक्स वाई दोनों फंक्शन किसी पर्टिकुलर एक ही वेरिएबल पे अगर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन थीटा, थीटा आपका क्या है यहां पर वेरिएबल है, देन थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। अभी हम बताएंगे इसको पैरामीटर क्यों कहते हैं। एंड एक्स कॉमा वाई आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस, इसको हम पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड वाई इज आल्सो फंक्शन ऑफ थीटा, इसको हम डी मान लेते हैं। ये दो आपके फंक्शन हैं, एक्स और वाई दोनों पर्टिकुलर थीटा पे डिपेंड करते हैं, तो इस प्रकार का नेचर रखने वाले जो फंक्शंस होते हैं वो पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी कहते हैं। और थीटा यहां पर क्या है, पैरामीटर। अभी मैंने बताया था कि पैरामीटर होता क्या है। अगर हम इस थीटा को इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अगर एलिमिनेट करते हैं तो एक्स वाई में हमें एक कॉमन फंक्शन मिलता है। ठीक है, वह किसी न किसी स्टैंडर्ड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है अगर इन दोनों की हेल्प से थीटा को एलिमिनेट करते, भी आगे एग्जांपल लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गई या फंक्शंस हो गए। अब इनका हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं अगर वह फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर x थीटा पर डिपेंड करता है तो x का हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश थीटा आएगा, y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा g डैश थीटा आएगा। हमें निकालना है dy by dx, तो dy by dx की वैल्यू हम इन दोनों को डिवाइड करके फाइंड करते हैं, dy by d थीटा dx अपॉन d थीटा। तो इस प्रकार से हम पैरामीट्रिक इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। अब अगर हमें, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, g डैश थीटा अपॉन f डैश थीटा आएगा, विच इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ये आल्सो थीटा का फंक्शन है। ठीक है, अब अगर हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन उसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव में तो सीधे सीधे आपने डिवाइड कर दिया, अब हम बात करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा पैरामीट्रिक का, पैरामीट्रिक का जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा बच्चों वो क्या होगा, उस पर हम विचार करते हैं। देखिए, आपने भी फाइंड किया है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आपका किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन, अभी मैंने बताया। ठीक है, उचित फंक्शन आप थीटा, तो इसको मैंने एक नया फंक्शन मान लिया था जी डैश थीटा अपॉन एफ डैश थीटा। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप कहेंगे सर हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालना है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स,
सेकंड डेरिवेटिव को इसी प्रकार सूत्र लिखते हैं, डिवाइड एक्स ऑफ डीवाई बाई डीएक्स। अब यहाँ पर जो डीवाई बाई डीएक्स है थीटा का फंक्शन है, इसलिए हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इस डीवाई डीएक्स को ऐसे लिख लेते हैं, ये लिखने का हम तरीका आपको बता दें, डीवाई डीएक्स को कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, और डी थीटा ये आपका हो गया डीवाई बाई डीएक्स। तो डी बाई डी थीटा ऑफ इसकी वैल्यू आपकी एच थीटा है, ठीक है, और डी थीटा बाई डीएक्स ये क्या है, डीएक्स बाई डी थीटा आपने निकाला था, क्या निकाला था, एफ डैश थीटा, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन एच डैश थीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन का। तो एक बार इसको आप लोग और समझ लीजिएगा कि हम इसको लिखेंगे किस प्रकार से, डी बाई डीएक्स ऑफ डी वाई बाई डीएक्स, फिर जो भी पैरामीटर हो थीटा या टी उसको इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इस पर बेस हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम इसके क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखिए, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों एक साथ आपको बताएंगे। एग्जाम्पल आपका है वाई इक्वल टू 280 एंड एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, ये दो आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब यहां पे टी क्या है, टी आपका पैरामीटर है, टी आपका क्या है, टी आपका पैरामीटर है, टी क्या है, पैरामीटर है। तो अब देखिए टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां से डीवाई बाई डी टी, टू है तो आपका कॉन्स्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू के आ जाएगी। ऐसे ही इसका हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, ए कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का हो जाएगा टू इंटू टी। ओके, अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, हमें निकालना है डीवाई बाई डीएक्स, तो क्या लिखेंगे, dy अपान dt को dx अपान dt से जब आप डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, 2a अपान 280, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 280, 2a 2a कैंसिल, ये आ गया 1/t, आल्सो फंक्शन ऑफ t। ओके, तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/t, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है ना। अब इसका अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा आ जाएगा डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू, सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, अब इसको क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ये 1/t हो गया। अब मैंने कहा था इस डी बाई डी एक्स को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, कुछ इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे और dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम करेंगे क्या, 1/t का डिफरेंशिएशन हो गया -1/t2। ओके, और dt by dx, dx by dt आपने निकाला है क्या, 280, dt by dx इसका अपोजिट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/280। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव आपका आ जाएगा -1/2at³, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग इतना नोट कर लीजिए, आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है ना, नोट कर लिया आप लोगों ने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आप लोगों को अपना अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। अब यहां पे थीटा हमारा पैरामीटर है क्योंकि x y जो आपके हैं वो दोनों थीटा पर डिपेंड करते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, थीटा पर। मैंने एक बात बताई थी कि यहां से अगर हम थीटा का एलिमिनेशन करते हैं तो cos थीटा की वैल्यू x y a निकालेंगे, sin थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे, y अपॉन a, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर वन हो जाएगा, ये x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू वन, a स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर,
जो कि सर्किल है, ये सर्कल की पैरामीटर की क्वेश्चन दी गई है। तो मैंने आपसे कहा था कि पैरामीटर एक वह फैक्टर होता है जिसका हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से इलिमिनेशन करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलती है या स्टैंडर्ड फंक्शन मिलता है। जैसे ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन आपकी लिखी है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पे थीटा आपका पैरामीटर है और ए आपका कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस साइन थीटा। ओके, इधर हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो डी वाई अपान डी थीटा डी एक्स अपान डी थीटा आ जाएगा, ए कॉस थीटा अपान माइनस ए साइन थीटा। ए कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इधर इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये आपका आ गया, अब अगर इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको करना कुछ ये है, इसको इस प्रकार से पहले लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को मैंने कहा था कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और इसमें पैरामीटर है थीटा, तो थीटा से डिवाइड और थीटा से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस कॉट थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है ना, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद में कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, फार्मूला आपको पता होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और ये आपका ए साइन थीटा। ये माइनस माइनस प्लस बाहर कर दिया, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक। ठीक है, अब वन बाई साइन क्या होता है, ये भी कोसेक होता है तो कोसेक क्यूब आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपान ए कोसेक क्यूब थीटा। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव इस पैरामीट्रिक फंक्शन का निकालेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। अब इसमें हमें dy by dx निकालना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री, दैट इज 60 डिग्री पे। तो अब देखिए इसमें पैरामीटर आपका थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dx अपान d थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, a पहले हम पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 sec स्क्वायर थीटा, देन बेस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है ना, y क्या है, y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा है। ठीक, इसे भी थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, a पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर बेस tan थीटा है, पावर बेस tan थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब हमें निकालना है dy by dx, क्या निकालना है, dy by dx निकालना है। तो dy by dx की वैल्यू हम निकालेंगे dy by d थीटा को dx अपॉन d थीटा से डिवाइड करके। डी वाई बाई डी थीटा क्या है आपका, 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, और dx अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या है, 3a sec स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। तो देखिए यहां से sec स्क्वायर आपका, ये आपका क्यूब है तो यहां से दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, वन बचेगा, 3a 3a कैंसिल, 8 tan कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, tan थीटा अपान sec थीटा, ये dy by dx की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई dy अपान
डीएक्स की। ओके, अब हमें थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन पाई बाई थ्री अपॉन सेक पाई बाई थ्री, सॉरी पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री है ना, पाई बाई थ्री मीन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री रूट थ्री होता है, सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टू होती है, तो इस प्रकार से रूट थ्री बाई टू इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। अंत में आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, और एक बात कहना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपके कमेंट ही हमें प्रोत्साहित करते हैं। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।